अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे दिमाग में एक सवाल ये भी आया था, आपने कहा कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और इसके अलावा उनको ये भी होता है कि अब हम क्या करेंगे खाने पे, लेकिन एक तीसरी रीज़न ये भी हो सकती है कि लोग हमारे मुआशरे में किसी डायबिटिक को या किसी बीमार शख्स को एक अलग ही नज़र से देखते हैं, जिसकी वजह से जो मरीज़ होता है वो अपने आप में ये सोचता है कि बस अब लोगों को पता ना चल जाए कि मैं बीमार हूँ, मुझे डायबिटीज़ है या मैं शुगर का मरीज़, तो ये इससे भी इफेक्ट होता है, लोग इस तरह करते हैं। हाँ, जिसको हम कहते हैं डायबिटीज़ डिस्क्लोजर, यानी कि आप डिस्क्लोज नहीं करते अपनी बीमारी को, समझते शायद एक स्टिग्मा जिसको हम कहते हैं, या समझते हैं कि एक बुरी चीज़ मेरे साथ चिमट गई है। और बहुत सारे जिन लोगों को इसका इल्म नहीं है, वो समझते हैं ऐसे डायबिटिक पेशेंट के साथ मिलजुल के खाना भी नहीं खाते और वो बैठ के शायद मुझे इससे लग जाएगी। हालांकि ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, यानी एक दूसरे के साथ बैठने से, मिल बैठने से, खाने पीने से, हस्बैंड वाइफ से दूसरे को नहीं लग सकती। ये जेनेटिकली है, यानी इन विरासत में मिल सकती है, अगर माँ बाप को है तो मिलती है और वहाँ से उनको ट्रांसफ़र हो सकती है। तो बहुत सारे लोग इससे अवॉइड करते हैं डायबिटीज़ पेशेंट। एक बहुत मशहूर शख्सियत है, हमारी पेशेंट भी है, तो उनसे हमने एक दफ़ा बात की कि आपको हम इंटरव्यू करना चाहते हैं। वो कहते हैं मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता, मैं बताना नहीं चाहता कि मैं इतना बड़ा शख्स हूँ और मुझे डायबिटीज़ है। तो उन्होंने इस पर रिफ्यूज़ किया, तो हमें बड़ी हैरानगी हुई कि इस लेवल पे भी, अगर एजुकेशन के लेवल पे भी, लोग इसको डिस्क्लोज़ नहीं करते। तो अगर हो भी जाए तो वो छुपाते हैं, और इसमें और इसके छुपाने के नुकसान भी होते हैं। खुदा ना खास्ता अगर वो कहीं जा रहे हैं, सफ़र पे हैं, या कोई किसी दोस्त को भी नहीं पता, करीबी दोस्त को नहीं पता, उनकी शुगर लो हो जाती, तो वो क्या वो मेजर करें, वो तो परेशान हो जाएंगे। अगर उनके अजीज़ो कारब को या रिश्तेदार को, दोस्तों को पता होगा तो वो उसका इलाज भी कर सकेंगे। उनको पता शायद इसकी शुगर लो होगी, ताकि हम उसको प्रॉपर इलाज कर सकें। तो इसका जो डिस्क्लोजर होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जैसे हमारे जो मोहतरम हमारे जो मेंटोर हैं डॉक्टर सदाकत, वो अक्सर कहते हैं कि अगर किसी को डायबिटीज़ हो जाए तो उसको चाहिए कि अपने 10-15 रिश्तेदारों को फ़ोन करे कि मुझे डायबिटीज़ हो गई है, ताकि उसकी जो जहन की जो किथासिस है, वो खौफ है, वो दूर होगा। हालांकि हो सकता है कि उसको मुख्तलिफ़ किस्म के मशवरे भी मिलें कि फ़लाँ हकीम के पास चले जाओ फ़लाँ, लेकिन वो इसके बारे में इसको डिस्क्लोज़ करे कि ये मुझे बीमारी है और मैं इसका मरीज़ बन गया हूँ। तो अब यानी कि जब आप ये तस्लीम कर लेते हैं, फिर आप उसका मुकाबला करने के लिए तैयार भी पकड़ लेते हैं। तो एक तो ये बात है, और दूसरा ये है कि हमेशा जब भी डायबिटीज़ पता चल गई है तो कोशिश करें कि साइंटिफिक नॉलेज लें। सुनी सुनाई बातों पे, सोशल मीडिया पे जो मनफी बातें मुख्तलिफ किस्म की होती हैं, वो सर्कुलेट कर रही होती हैं, उनसे बचें और अपने इलाज की जिम्मेदारी खुद कबूल करें कि मैंने इसको टेक ओवर करना है, मैंने इसका ख्याल रखना है, मैंने इसी को कंट्रोल करना है और मैंने ही अपनी बीमारी की जिम्मेदारी लेनी है।